हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो आज की मेरी एक रेसिपी है चॉकलेट ब्रेड पकौड़ा। तो स्पेशली ये बच्चों के लिए है, बड़े भी खा सकते हैं बट स्पेशली बच्चों के लिए है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे चॉकलेट ब्रेड पकौड़ा बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर चॉकलेट है, कितनी अच्छी तरह से ये मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम इसकी रेसिपी बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रेड लेना है और इसको हम कट करेंगे, या आप गोल शेप में इसको कट कर सकते हैं या चौकोर शेप में। मैं यहाँ पे गोल शेप में कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ग्लास का यूज़ करूँगी, आप कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, काट लिया है मैंने इसको। इसको साइड में रखते हैं, ये वाला भी काट लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों हमने काट लिए हैं। ये इस तरह से आपको गोल काटना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं, ये देखिए। तो मैं दो चॉकलेट ब्रेड पकौड़ा बनाने वाली हूँ, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसमें चॉकलेट डालेंगे। यहाँ पे मैं मिल्क चॉकलेट यूज़ करने वाली हूँ, आप डेरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें रखना है। ये देखिए, अब इसको कवर कर देंगे। तो अब हमें एक खाली बाउल लेना है, उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी। इसका पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए, मैंने एक घोल बना लिया है। आप ज़्यादा पतला मत करिएगा और ज़्यादा गाढ़ा भी मत रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, ये मैंने घर पे बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं। अब इसको हमें इसमें डिप करना है कुछ इस तरह से। हाथों को मैंने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया है, ये देख लिया। ये हमने इसको कुछ इस तरीके से डिप किया है। अब ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर देंगे। ये देखिए, इसको रख लेते हैं। अब दोनों इसको ऐसे ही कर लेना है। ये देखिए, मैंने दोनों में अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा दिया था और 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, ये भी सेट हो चुका है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मैं इनको ऑयल में फ्राई करूँगी, आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कढ़ाई पहले ही चढ़ा के रखी हुई है गैस पे और इसमें ऑयल डाला हुआ है। ऑयल आप इतना रखिएगा कि आराम से इसमें फ्राई हो सके। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं एक एक करके इनको फ्राई करूँगी। आप हाई फ्लेम पे ही करिएगा ताकि ब्रेड ज़्यादा ऑयल ना सूखे, थोड़ा सा गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसको ऑयल से निकाल लिया था और अभी एक प्लेट में निकाल लिया है। और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट और टूटी फ्रूटी डाली हुई है। टूटी फ्रूटी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इसको थोड़ा सा और मीठा बनाने के लिए मैं यहाँ ऐड करूँगी थोड़ी सी हनी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से।
तो अभी ये रेडी है, आप बच्चों को बना के ज़रूर खिलाइए, उनको बहुत पसंद आने वाला है और आप भी खा सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये चॉकलेट ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या कोई और अदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।